दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा बेबी कैप लाई हूँ। इसे मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप फंदे बढ़ाकर चाहें तो बड़े बच्चों, बड़े लोगों के लिए भी बना सकते हैं। सेम पैटर्न को अपनाकर आप इसे बड़े बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन, ये कैप मैंने साइड से बनाया है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और ऊपर से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना खूबसूरत कैप है। इसे मैंने 50 फंदे लेकर बनाया है। आप इसे 60 फंदे डालकर आप इसे बड़े लोगों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये कैप कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को सीखते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो इसके लिए मैंने 10 फंदे डाले हैं। 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और 2 फंदा सीधा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा बुनना है और 2 फंदा सीधा। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई देगा उसे हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हम दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो तीसरा लाइन हम पहले लाइन की ही तरह बनाएंगे, यानी 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। लास्ट में 2 फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सीधा पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हम दूसरे कलर को अटैच कर लेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए हमने 4 लाइन हमने ये बुना हुआ है। तो पहली लाइन पे ऐसे नीचे की तरफ आ जाएंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, फिर ये दो फंदे सीधे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर अब दूसरी साइड आएंगे और जो 2 सीधे फंदे हैं इनके जस्ट बगल में ऐसे नीचे की तरफ आएंगे पहली लाइन में और एक लूप निकाल लेंगे। इसको ऐसे खींचेंगे, बराबर कर लेंगे। अब जो 2 फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उन आगे करेंगे और दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, उन पीछे करेंगे। अब देखिए 2 सीधे फंदे हैं तो नीचे की तरफ 4 लाइन नीचे आएंगे। सीधे फंदे के एकदम साइड में यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, हम एक लूप बनाएंगे, इसे ऐसे खींचेंगे, फंदे के बराबर लाएंगे, फिर दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हमें लूप निकालना है, तो 4 लाइन नीचे आएंगे सीधे वाले फंदे के साइड से, एक लूप निकालेंगे, खींच के इसे हम बराबर करेंगे। अब 2 फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। ये हमारा 6ठा लाइन है। तो 2 फंदा हम सीधे, जो हमने इधर से उल्टा बुना था वो हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और ये देखिए ये लूप है और ये सीधा वाला फंदा जो इधर से हमने सीधा बुना था, तो दोनों को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। लूप की वजह से फंदे बढ़ गए थे, अब हमने 2 का एक कर लिया, वापस फंदे जितने थे उतने हो गए। अब देखिए हमने लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेके और एक उल्टा फंदा बनाया है।
अब हम इस साइड, अब ये दूसरा लूप है और ये फंदा। अब इन दोनों को हम ऐसे लेंगे और ऐसे घुमा देंगे, पलट देंगे। अब देखिए लूप जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। अब दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब अगले दो फंदे सीधे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, उन अपनी ओर करेंगे और लूप को और उसके पहले वाले फंदे को, लूप को लिया और उसके पहले वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब ये फंदा है और लूप है, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और दोनों को हम दाहिनी सिलाई में ऐसे ले लेंगे और फिर इसको ऐसे पलट देंगे। अब देखिए लूप ऊपर की तरफ आ गया है। देखिए लूप को और फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब लास्ट में दो फंदे सीधे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से ही बुनेंगे। तो देखिए दो फंदा उल्टा है, इसे उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा और लास्ट में दो फंदा उल्टा। और रॉन्ग साइड से जो फंदा उल्टा दिखाई दे उसे उल्टा और जो सीधा दिखाई दे उसे सीधा बुन लेंगे। तो हमने दूसरे कलर से भी चार लाइन बना लिया। अब फिर हम चार लाइन अपने पहले कलर से बुनेंगे। तो दो फंदा उल्टा, अब उन पीछे कर लेंगे और फिर अब चार लाइन नीचे आएंगे। यानी ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमारा ये कलर शुरू होता है यहाँ पे ऐसे नीचे आएंगे और एक लूप निकाल लेंगे। लूप निकाल लिया, इसे ऐसे खींचेंगे, फंदे के बराबर करेंगे, फिर दोनों फंदा सीधा। जो दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर सीधे वाले फंदे के साइड से देखिए ये जो छेद दिखाई दे रहा है यहीं पे हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। लूप निकाला, इसे ऐसे खींचेंगे, अगले दो फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे उन पीछे। अब देखिए फिर दो सीधे फंदे आ गए, तो यहाँ से हमें लूप निकालना है। देखिए यहाँ पे एक छेद सा दिखाई दे रहा है, चार लाइन नीचे आएंगे, एक छेद सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकाल लेंगे। लूप को ऐसे खींचेंगे और दो फंदा सीधा। फिर दूसरी साइड से भी देखिए यहाँ छेद दिखाई दे रहा है, इसमें सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर लास्ट में दो फंदा है, लूप निकालेंगे, इसे ऐसे खींच के फंदों के बराबर कर लेंगे, फिर लास्ट में दो फंदा है उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से देखिए ये दो फंदे सीधे दिखाई देना है, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये लूप और उसके आगे वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए पहले उनको हम अपनी ओर कर लेंगे, फिर दोनों को, लूप को और फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर इस फंदे को लेंगे और इस लूप को सीधा कर लेंगे और दोनों को एक साथ लेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए लूप हमारा पहले आ गया है, फंदे से पहले आ गया है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी ओर। अब देखिए ये लूप हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा है, तो इसको और इस फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। अब अगला फंदा लेंगे और ये लूप है, इसको लेंगे और इसे हम ऐसे पलट लेंगे। अब लूप देखिए ऊपर की तरफ आ गया है,
फिर दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। लास्ट में दो फंदे सीधे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन हुआ। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाया जाएगा, फिर अगला चार लाइन दूसरे कलर के ऊन से बनाया जाएगा। तो आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टोपी की तरफ। इस कैप को बनाने के लिए सिंगल वूल से 10 नंबर की सिलाई पे 50 फंदे डाले हैं। पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज ऐसे सिलाई डालेंगे, जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे और 7 फंदा उल्टा। ये बॉर्डर मैंने 8 फंदे का बनाया है। आप चाहें तो इसे कम या अधिक कर सकते हैं। तो 8 फंदे का बॉर्डर बना लिया। अब दो फंदे, अगले दो फंदे हैं, तो इसे हम पहले फंदे को छोड़ के पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे को सीधा। अब इन दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब हमें ये डिजाइन डालना है, तो दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा बुनते हुए 22 फंदे हम बुन लेंगे। तो 4 के मल्टीपल का ये डिजाइन है और दो फंदा एक्स्ट्रा। हमने 22 फंदे दो सीधा दो उल्टा करके बुने, यानी 5 डिजाइन पड़ेगा और लास्ट के दो फंदे में दो फंदा उल्टा हो गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, अब ये जो दो फंदे हैं, तो पहले हम पीछे की तरफ से ऐसे दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे। अब दोनों फंदों को उतारेंगे, पहले वाले फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे सामने की तरफ से और यूं दोनों को घुमा देंगे। अब देखिए, पीछे वाला फंदा पीछे की तरफ से आगे आ गया। अब इसे दाहिने सिलाई बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया। अब पहले वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, दोनों फंदे ट्विस्ट हो गए हैं। अब लास्ट में 16 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को ऐसे हम पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब 16 फंदे हमने सीधा बुने थे, तो पहला फंदा ये हो गया। अब ये 15 फंदे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो 15 फंदों को हमने सीधा बुन लिया, यानी ये टोटल 16 फंदे हो गए। अब ये जो दो फंदे हैं, इन्हें हमने ट्विस्ट किया था, तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब जो फंदे उल्टा दिखाई दे, उन्हें उल्टा बुनना है, और जो सीधा दिखाई दे रहा है, उन्हें सीधा बुनना है। और ये फंदे सामने से भी सीधे बुने जाएंगे, और जो साइड के ये 16 फंदे हैं, ये सामने से भी सीधे बुने जाएंगे और रॉन्ग साइड से भी इन्हें हम सीधा ही बुनेंगे। बाकी जो फंदे जो सीधे हैं उन्हें सीधा, और जो उल्टा है उन्हें उल्टा बुना जाएगा। अब ये हमारा तीसरा लाइन है, तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 7 फंदा, ये बॉर्डर के 7 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, अब ये जो दो फंदे हैं, ये वो दो फंदे हैं जिसने हमने ट्विस्ट किया था। तो इसको या तो ऐसे उतार लें, पहले वाले फंदे को बाएं सिलाई में और दूसरे फंदे को ऐसे सामने की तरफ से ऐसे दाहिनी सिलाई में लाके वापस बाएं सिलाई में चढ़ा दें। तो हमने इन दोनों फंदों को ट्विस्ट कर दिया। अब इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। ये बीच के डिजाइन वाले फंदे हैं, जिन्हें सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनना है। तो ये हमने 22 फंदे दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, ये दो फंदे हैं जिन्हें हमने ट्विस्ट किया था, तो
दूसरे वाले फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, दाहिना सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से डालेंगे और इस पहले वाले फंदे को उतार लेंगे। इसको हम बाएं सिलाई में कर लेंगे। देखिए दोनों फंदों को हमने ऐसे घुमा दिया है, पीछे वाला फंदा पीछे की तरफ से आगे आ गया, तो इसे हम बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए अब लास्ट के ये 16 फंदे बचे हैं। तो पिछली बार हमने सभी फंदों को सीधा बुना था, अब की हम आधे से लौट जाएंगे यानी 8 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हम यहीं से वापस घूम जाएंगे। पहले वाले फंदे को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है और इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब बचे 7 फंदे, उन्हें हम सीधा बुनेंगे। जिसे हमने बुना था उसे हम अब सीधा बुन लेंगे। हमने पूरी सिलाई नहीं बुनी है, आधे फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे। अब देखिए ये 2 फंदे जिसे हमने ट्विस्ट किया था तो उन अपनी ओर करेंगे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा 5वां लाइन है। बॉर्डर के फंदों को हम बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उनसे पहले दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे। या तो हम ट्विस्ट कर दें इसको या फिर पहले दूसरे वाले फंदे को बुनें और फिर पहले वाले फंदे को बुनें। देखिए हमारे फंदे यूं ही ट्विस्ट हो गए हैं। फिर 2 फंदा उल्टा और अब हमें 4 लाइन नीचे आना है और लूप निकालना है। लूप निकाला, इसे खींचा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर दूसरी साइड से भी 4 लाइन नीचे आएंगे, लूप निकालेंगे, खींचेंगे, फिर उन अपनी तरफ 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए फिर 2 फंदे सीधे आए हैं यानी यहाँ हमें लूप निकालना है। लूप निकाला, खींचा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर दूसरी साइड से भी हमें लूप निकालना है, तो 4 लाइन नीचे आएंगे, 1 लूप निकालेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। इसी तरह ये देखिए 2 डिज़ाइन ये यहाँ बनेगा। इसी तरह हमारा ये 5 डिज़ाइन बन रहा है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब इन 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो पीछे वाले फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और आगे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे पीछे लेते जाएंगे, फिर दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और अब पिछली बार हमने आधे पर से लौटा लिया था, अब की हम जब दूसरे कलर से बुनेंगे तो पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। फिर पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे पर्ल वाइज, उन दूसरी ओर करेंगे और 15 फंदा सीधा। तो हमने 15 फंदे सीधा बुन लिए। अब उन अपनी ओर करेंगे। देखिए ये 2 फंदे ट्विस्ट किए हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। अब देखिए ये लूप वाला फंदा है, तो लूप वाला फंदा और लूप और उसके अगले फंदे को लेके एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे। फिर ये फंदा है और ये लूप है, इसको हम ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। अब लूप ऊपर की तरफ आ गया, दोनों फंदों को एक साथ लेके, और देखिए हमारा ये डिज़ाइन बन गया। फिर 2 फंदे सीधे,
फिर हमारा लूप है और अगला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर ये फंदा को लेंगे, फिर लूप को, और इसे हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, मैंने घुमा दिया। अब दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और अब बॉर्डर के फंदे हम प्राइमरी कलर से ही उल्टा बुनेंगे। बॉर्डर हम दोनों कलर से नहीं बुनेंगे, बॉर्डर को हम सिर्फ प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे। तो देखिए हमने बॉर्डर बुन लिया। अभी हम इन दोनों धागों को आपस में ऐसे क्रॉस करा लेंगे। अब इन दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो या तो हम उतार के ऐसे ट्विस्ट करें, या फिर पहले दूसरे को बुन के तब पहले को बुनेंगे, तभी भी हमारे फंदे आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे। और हम अपने सेकेंडरी कलर से ही बुनेंगे। दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा बुनते हुए 22 फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन के सभी फंदे बुन लिए। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब इन दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो ऐसे घुमा के हम इन दोनों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, जब हमने पहली बार बुना तो सभी फंदे बुने, दूसरी बार बुना तो आधे से लौट आए। अब फिर तीसरी बार यानी जब हमने दूसरा कलर लगाया तो सारे फंदे हमने सीधा बुने। अब की जब फिर इसी कलर से जब दोबारा बुनेंगे तो हम इसमें से सभी फंदों को हम नहीं बुनेंगे, कुछ फंदों को छोड़ देंगे। तो जब हम एक कलर लगाते हैं तो सभी फंदे बुनेंगे, जब उसी कलर से जब दोबारा तीसरा लाइन हम बुनेंगे तो हम सभी फंदे नहीं बुनेंगे बल्कि बीच ही में से लौटाएंगे। जैसे देखिए ये मैंने बुना है, देखिए पहली बार जब हम बुनेंगे तो सभी फंदों को बुनेंगे और दोबारा जब हम उसी कलर से बुनेंगे यहाँ तो हम बीच ही में से लौट आएंगे, दूसरी बार में से बीच बीच में से लौट आएंगे और एक ही जगह से नहीं लौटेंगे। कभी हम चार फंदा छोड़ेंगे, कभी छह फंदा, कभी आठ फंदा छोड़ते हुए हम दूसरी तरफ लौट आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को दोहराते हुए मैंने पंद्रह इंच से ये के करीब बुन लिया है और ये लगभग बच्चे के सिर के, देखिए ये बच्चे के सिर में आ जाएगा। अब हम बस दो फूल और बनाएंगे। अब हम अपने मेन टोपी पे आ जाते हैं। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, आठ फंदों का हम बॉर्डर बना लेंगे। अब देखिए हमने अपने प्राइमरी कलर से चार लाइन कंप्लीट कर लिया है, यानी अब की हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे। तो ये हम जो ट्विस्ट करते आए हैं ये वो दो फंदे हैं, तो पहले दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को, फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। चार लाइन नीचे आएंगे, लूप निकालेंगे, खींचेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर दूसरी तरफ से भी हम लूप निकालेंगे, खींचेंगे और फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर फिर हमें लूप निकालना है, लूप निकालेंगे, खींचेंगे, फिर दो फंदा सीधा, दूसरी साइड से भी हम लूप निकालेंगे, खींचेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। तो हम हमारा डिज़ाइन है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने डिज़ाइन के फंदों को बुन लिया। अब
ये दो फंदे जो ट्विस्ट करने वाले हैं, हम वहाँ पे आ गए हैं, तो दोनों फंदों को हम ट्विस्ट कर लेंगे और फिर इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम अब कलर चेंज करते हैं तो सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो हम इन 16 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हम पहले फंदे को ऐसे दूसरी सिलाई पर ले लेंगे, उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। अब पहले फंदे को वापस पहले बाएं सिलाई में, और अब दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर लेंगे। एक फंदा घट गया, दो फंदा घट गया, इसे वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे सीधा बनते हुए। 3, 4 5 और 6 फंदे हमने घटा लिया। अब शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब ये दो ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं तो उन अपनी ओर करेंगे, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर। अब लूप को और फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब फिर ये फंदा है और लूप है, इन्हें हम ऐसे पलट देंगे। लूप ऊपर की तरफ आ गया, अब दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर। लूप को और फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर लूप को और फंदे को और लूप को लेंगे और इसे ऐसे पलट देंगे। अब लूप देखिए ऊपर की तरफ आ गया है, दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। तो हम डिजाइन के सभी फंदों को बुन लेंगे। और ये ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। और बॉर्डर के फंदों को, ये दोनों धागों को ऐसे हम आपस में लपेट लेंगे। बॉर्डर के फंदों को हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे। फिर सामने की तरफ से आ गए हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 7 फंदों को उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर अब ये दो फंदे ट्विस्ट किए फंदे हैं, इन्हें हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे। पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा, फिर पहले वाले फंदे को सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा बुनते हुए डिजाइन के 22 फंदों को हम बुन लेंगे। तो हमने डिजाइन के फंदों को बुन लिया। अब ये दो फंदे जो ट्विस्ट किए गए हैं वो फंदे हैं, तो इन्हें हम पहले ट्विस्ट कर लेंगे, फिर दोनों को उन दूसरी ओर करके दोनों को सीधा बुन लेंगे और फिर शेष फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए। पहले फंदे को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को बाएं सिलाई में। अब दो दो फंदों को लेंगे और सीधा बुनते हुए इन्हें हम घटा देंगे। ये हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं। जितने ये हमारे 16 फंदे थे, 6 फंदों को तो पहले ही हमने बाइंड ऑफ कर दिया है, अब कि हम 10 फंदों को भी बाइंड ऑफ कर देंगे।
अब उन अपनी ओर करेंगे। देखिए ये दो फंदे ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब ये हमारे पैटर्न के फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर के फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। बॉर्डर के फंदों को हम बुन लेंगे। अब हमें इस धागे का कोई काम नहीं है, तो इसे हम और गांठ लगा लेंगे। अब देखिए ये दोनों ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, तो इन्हें हम ट्विस्ट कर लेंगे, सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे, चार सिलाई नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, खींचेंगे, फिर दो फंदा सीधा। दूसरी साइड से भी चार सिलाई, देखिए यहाँ जो छेद बना है यहाँ सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। दूसरी ओर लूप निकालेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर लूप निकालेंगे और दो फंदा उल्टा। तो हमने लाइन कंप्लीट कर दी, इधर के फंदे तो हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ये दो फंदे सीधे हैं, अब हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, डिज़ाइन को बनाते जाएंगे और फंदों को बाइंड ऑफ करते जाएंगे। पीछे वाले फंदे को उठाया, आगे वाले पे चढ़ा दिया, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा बुनना है, सीधा बुना, पीछे वाले फंदे को उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया। अब देखिए लूप को और फंदे को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। फिर हम इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, पलट लेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे चढ़ाते चले जाएं। तो इस तरह हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। धागे को हम थोड़ा लंबा काटेंगे और इस लूप में से ऐसे निकाल के और टाइट कर लेंगे। अब हमें सिलाई करनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे दो ही लाइन बनाया है डिज़ाइन का,
पूरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं किया है। चार लाइन का ये डिज़ाइन है, हमने सिर्फ दो लाइन ही बनाया है और इसको हमने पहले ही घटा दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐसे करेंगे, सिलेंगे, तो ये देखिए हमारा ऐसे दोनों अपोजिट कलर आना चाहिए। तो अगर हमने इससे पूरा कर दिया होता तो ये फिर दोनों एक ही कलर पास पास हो जाते। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमने सुई में धागे को डाल लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इन दोनों धागों को बांध लें। इस धागे को हम बाद में अंदर कर लेंगे। अब देखिए जो ये एज है उसके ऐसे ऊपरी हिस्से को हम ऐसे पकड़ेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। हर फंदे में हम ऐसे सिलते चले जाएंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। तो हमने डिज़ाइन के सभी फंदों को सिल लिया। अब यहाँ पे हमारा एक और प्राइमरी कलर है और एक तरफ सेकेंडरी कलर है, तो यहाँ पे हम अब सिलाई में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए ये हमारा धागा इधर है, तो ऐसे ऊपर की तरफ से लाएंगे, ऐसे देखिए ऊपर की तरफ से और दूसरे साइड में नीचे की तरफ से ऐसे डालेंगे और फिर यहाँ ऐसे इसी साइड में ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे इस साइड भी और इस साइड भी ऐसे निकालेंगे। इससे हमारा ये धागा दिखाई नहीं देगा। ये हम किस कलर से हम सिलाई कर रहे हैं ये हमारा दिखाई नहीं देगा। नीचे की तरफ से ऐसे लाएंगे और फिर इधर ही ऊपर से नीचे लेते जाएंगे। देखिए तो देखिए हमने ये पूरी सिलाई कर ली। अब हमें सिर्फ ऊपर ये जो थोड़े से फंदे रह गए हैं इसमें सिलाई करना है। तो क्या करेंगे कि देखिए ये हमारे जो ऊपर ऐसे फंदे हैं, देखिए इसमें प्रत्येक में हम ऐसे धागा लपेटते चले जाएंगे, बाहरी सिरे में हम ऐसे धागा लपेटते चले जाएंगे। जो इसके एज हैं उसके बाहरी सिरे पे से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सभी में अब इसको ऐसे खींचेंगे, हम ऐसे टाइटली खींचेंगे
देखिए ये हमारा ऐसे हो जाएगा। हम दूसरी साइड में ऐसे आ जाएंगे, इसे टाइट करेंगे और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। और इसको हम काट देंगे, सभी धागों को हम अंदर की तरफ कर देंगे सुई से या क्रोशिया से अंदर की तरफ कर। तो देखिए हमारा कैप तैयार है। अब चूंकि ये छोटे बच्चे का है इसलिए हम यहाँ पे एक पम्पम लगा देंगे। पम्पम बनाने के लिए हम दोनों धागों को लेंगे ऐसे, पकड़ेंगे और तीन उंगली पर ऐसे लपेटते चले जाएंगे। तो 40-50 बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब खूब टाइट बांधेंगे, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस पम्पम ये जो हमने धागे छोड़े हुए हैं इसको ऐसे क्रोशिया ऐसे अंदर से निकाल के और इसको हम खींच लेंगे अंदर की तरफ। और फिर दूसरे धागे को भी हम ऐसे ही खींच लेंगे। अब देखिए अब ये हमारे दोनों धागे हैं, इनको हम ऐसे अच्छी तरह बांध देंगे। और क्रोशिए से इसको फंसा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा खूबसूरत सा बेबी कैप बनके तैयार हुआ है। ये तैयार हो तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये कैप अच्छा लगा हो, देखिए ये ऊपर से ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यदि आपको मेरा ये कैप अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।